three और सी प्लस ए। किसी काम को क्रमशः अलग टू काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। क्या कहना है, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे, तो अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, तो जो ए प्लस बी है तो ए प्लस बी आपका कर रहा है कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 10। बी प्लस सी कर रहा है आपका 12 दिन में कर रहा है, तो सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, क्रमशः यहाँ पे दिए लगेंगे आपके 10 और 12 और 20। ये आपके क्रमशः है, तो सी प्लस ई कितने दिन में कर रहा है, इनका हम तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा 7, इसकी क्षमता आपकी हो जाएगी, तो इसका एलसीएम कितना है, इसकी क्षमता हो जाएगी 6, इसकी 5, इसकी 3, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा, जब हम दोनों यानी इनको कुल काम करेंगे, तो यानी कि 2a + b + c बराबर कुल काम कितना है 60, कुल काम कितना है, क्षमता पूछ लीजिए, क्षमता का मान कितना है 6, 5, 11, 3, 14, तो a + b + c बराबर कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 7, यानी a + b इनके मान निकलेंगे 7 और इसमें c बराबर 1 निकलेगा और b का मान हो जाएगा अलग अलग, यानी कि b का मान 4 और a का मान 2। अब a c का मान 1, b का मान 4, a का मान 2। अब इसे में a की मान निकालेंगे तो 60/2, तो यानी कि 30 दिन में करेगा, और b के मान निकालेंगे तो 60/4 यानी कि 15 दिन में, और c निकालेंगे 60/1 यानी कि 60 ही दिन में। तो यह आपके तीनों के मान निकल आए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 जो था क्या है, इससे पूछ रहा है a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए, तो a प्लस बी 10 है, b प्लस सी जो 12 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 इसकी क्षमता निकलेगी, 5 की b की क्षमता निकलेगी, प्लस c की 5 और c प्लस की, इनका योग करेंगे 2 + a + c = 14, तो a प्लस बी का मान निकलेगा 7। ये जो है हमारे तीनों मिलकर इसकी क्षमता जो है 3×7 है, तो इसमें हम c = 1, b = 4, a = 2, तो a के जो है a कितने दिन में करेगा, तो a जो 60/2 निकले, a का मान निकला है 2, तो 60/2 यानी 30 दिन में, और b = 60/4 यानी 15 दिन में, और c = 60/1 यानी 60 दिन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड वर्क का जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ हुए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।